नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने जाना है कि रस किसे कहते हैं, रस के कौन कौन से अवयव होते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं। रस के वेदों में हमने श्रृंगार रस और हास्य रस की चर्चा की है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे करुण रस की। मैं एक बात बार बार पहले भी आपको कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि किसी चीज को पूरी तरह समझने के लिए उसकी पूरी सीरीज को समझना जरूरी होगा। हम बीच से उठा करके सारी चीज को समझ जाए ये संभव नहीं है। मैं प्रयास करता हूं कि हर चीज को अच्छी तरह समझाऊं। समय जरूर लग रहा है, वक्त जरूर लगता है इसमें, लेकिन वो चीज़ आपके समझ में आ जाए मेरा काम वहाँ पूरा होता है। इसलिए उस समय को नज़रअंदाज करते हुए आप उस कंटेंट को समझने का प्रयास करें। श्रृंगार रस और हास्य रस के बाद में आप चर्चा करते हैं करुण रस की। करुण रस बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, तथापि वहां मिलने की आशा भी बंधी रहती है। अतएव जहां पर मिलने की आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है वहां करुण रस होता है। हमने श्रृंगार रस की चर्चा की, श्रृंगार रस के दोनों भेदों की चर्चा की, संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, वियोग श्रृंगार और करुण रस दोनों में दुख व्याप्त है, लेकिन वियोग श्रृंगार के अंदर प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं कहीं ये रहता है कि निश्चित रूप से किसी न किसी मोड़ पर जाकर के हम दोनों की मुलाकात होगी। तो जहां पर आशा बनी रहती है वहां पर तो वियोग श्रृंगार है, लेकिन करुण एक ऐसा रस है जहां पर चिर वियोग है। वो चिर वियोग अपने से हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ने का गम है। अतः वियोग रस में हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर चिर वियोग है, यहाँ पर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि वियोग श्रृंगार में मिलने की एक उम्मीद एक आशा बनी रहती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हम इनके अवयव की चर्चा करते हैं। आलंबन विभाव के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु होता है। जो व्यक्ति बिछुड़ चुका है, समाप्त हो चुका है, या जो वस्तु नष्ट हो चुकी है उसकी चर्चा आलंबन के अंदर होगी। उद्दीपन के अंदर आलंबन का दाह संस्कार, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इष्ट के चित्र का वर्णन। अपना जब बिछुड़ता है या अपनी वस्तु जब अलग होती है हमेशा के लिए, तो हमारे पास जो बचता है उस बिछड़ी हुई चीज की याद के रूप में या तो उसकी कोई पिक्चर होगी, छाया चित्र होगा या कोई वस्तु होगी, और वो चीज हमें उसकी याद दिलाएगी जो हमसे बिछुड़ करके जा चुका है। अतः ये चीजें उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी। अनुभव उस स्थिति को कहते हैं कि जब चिर वियोग होता है, जब अपना बिछुड़ करके जाता है, तो उसके बाद में क्या क्रिया होती है। तो उस चिर वियोग के क्षण में जो आश्रय है उसके हृदय में वो दुख होगा, जिसके कारण वो भूमि पर गिर जाता है, निश्वास छोड़ता है, छाती पीटता है, रुदन करता है, प्रलाप करता है, मूर्छा आती है, देव निंदा या कंपन शुरू होता है। तो ये सारी सारी चीजें अनुभव के अंतर्गत आएगी। संचारी भाव, निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद
जड़ता, दैन्य उन्माद आदि आदि अनेक प्रकार के इसमें संचारी भाव आएंगे, जो मनुष्य के उस मनुष्य के जो बिछुड़ करके गया है उसकी याद में जो आश्रय है, जो रह गया है, उसके हृदय में प्रतिक्षण आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हम अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी तो मुकुट बंधाता माथ, अभी तो मुकुट बंधाता माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी नहीं थे लाल के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाहतत लतिका ये सुकुमार, पड़ी ये छिन्नधार। सुमित्रानंद पंत की ये पंक्तियां जो छायावाद के सम्राट हैं, हम इसका सीधा सीधा अर्थ लेते हैं तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि एक न्यायिका की शादी होती है, वो शादी होकर के वो ससुराल आती है और जैसे ही ससुराल की ढेरी पर कदम रखती है वो अपने पति से बिछुड़ जाती है या उसके प्रति उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब उसके पति की मृत्यु होने के बाद में उसकी क्या दशा होती है और उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है, ये करुण रस है। हम इसका स्पष्टीकरण करते हैं। उस नायिका के हृदय के अंदर जो स्थायी भाव जागृत होगा वो शोक होगा। आलंबन किसके बिछुड़ने के कारण शोक उत्पन्न होगा, नष्ट पति, जो पति नष्ट हो गया है वो आलंबन है। उद्दीपन किस चीज को देख करके जागृत होगा, मुकुट का बनना, हल्दी के हाथ पीले होना, लाज के बोलों का न खुलना, इन सारी चीजों के उद्दीप्त होने के कारण वो भाव उसके हृदय के अंदर जागृत होंगे। अनुभव क्या क्या चीजें हैं उसको उन भावों को जागृत करने में मदद करेंगी, वायु से हाथ लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े रहना, नायिका बेसुध होकर के गिर जाना, ये अनुभव उसके अंदर जागृत होंगे और इसकी वजह से जो संचारी भाव उसके हृदय के अंदर बार बार प्रतिक्षण आएंगे और जाएंगे, विषाद, दैन्य, स्मृति और जड़ता, ये तीनों चारों संसारी भाव उस करुण स्थिति में उसके हृदय के अंदर जागृत होंगे। तो ये हुआ करुण रस। अगला रस है वीर रस। वीर रस में शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि से जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस का स्थायी भाव है, जिसकी पुष्टि होने पर वीर रस की सिद्धि होती है। वीर रस क्या होता है, शत्रु को मिटाने के लिए जो उत्साह जागृत होता है, किसी दीन दुखी को देख करके उनकी मदद करने का जो उत्साह का संचार हृदय के अंदर उत्पन्न होता है, या धर्म को बचाने के लिए, धर्म के उद्धार करने के लिए जो उत्साह का संचार हृदय के अंदर जागृत होता है, ये एक वीरता की निशानी है। तो इन सबको मिलाकर के वीर रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। अवयव की बात करते हैं। स्थायी भाव मैंने बताया उत्साह होता है। आलंबन किसको देख करके वो भाव जागृत होता है, अत्याचारी शत्रु। शत्रु किसी भी तरीके का हो सकता है, कि दीन दुखियों को दुखी करने वाला भी हो सकता है, धर्म का नाश करने वाला भी हो सकता है, या कोई युद्ध क्षेत्र में शत्रु भी हो सकता है। तो उसको अत्याचारी शत्रु को देख करके भाव जागृत होते हैं, तो अत्याचारी शत्रु आलंबन हुआ। उद्दीपन उस शत्रु के भाव, शत्रु का अहंकार, रणवाद्य और यश की इच्छा मन के अंदर जागृत होती है, ये सारी चीजें देख करके, ये सारी चीजें उद्दीप्त करती हैं उसको ऐसा करने के लिए। अनुभव
गौरवपूर्णोक्ति, अट्ठहास करना, साहसता, वीरता के साथ में, प्रहार करना, रोमांच होना, ये सारी चीजें अनुभव के अंतर्गत आएंगी और इनसे उत्पन्न होने वाला संचारी भाव, आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुकता और चपलता आदि के संचारी भाव आश्रय के हृदय के अंदर जागृत होंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हैं और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। प्रसंग है चक्रव्यूह का, महाभारत के चक्रव्यूह का ये प्रसंग है। जब अर्जुन दूर चला जाता है रण क्षेत्र से, कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह रचा जाता है, पांडव सोचते हैं कि उससे चक्रव्यूह को तोड़ने की कला अर्जुन के सिवाय किसी को आता नहीं है। युधिष्ठिर को यह पता है कि चक्रव्यूह में घुसने की कला अभिमन्यु जानता है, लेकिन निकलने की कला वो पारंगत नहीं है। ऐसे में अभिमन्यु कहता है अपने तात से कि मुझे सुकुमार मत मानो, मैं युद्ध क्षेत्र के लिए हमेशा प्रस्तुत हूं और मैं हर मुसीबत को टालने की क्षमता रखता हूं। ये उसका प्रसंग है। यहां पर वीरता दिखा रहा है, वो उत्साह है उसके अंदर। इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। यहां स्थायी भाव उत्साह है अभिमन्यु के हृदय के अंदर। आलम्बन किसको देख करके उत्साह जागृत होता है? कौरव सेना को, जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। आश्रय कौन हुआ? स्वयं अभिमन्यु। उद्दीपन, उसे चक्रव्यूह रचना को देख करके उसके मन में यह भाव जागृत होता है। अनुभव, अभिमन्यु की युक्ति, अभिमन्यु जो बात कहता है उसको देख करके अनुभव जागृत होता है, और जिससे संचारी भाव हर्ष होता है, गर्व उत्पन्न होता है और उत्सुकता जागृत होती है। तो ये वीर रस की निशानी है। हम इसे वीर रस के अंतर्गत मानेंगे। अगला भाव है, रस है, रोद रस। जब कोई व्यक्ति या कोई पक्ष आपको भला बुरा कहता है, आपका अपमान करता है, या आपके किसी आत्मीय की निंदा करता है, तो उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रोद रस कहते हैं। रोद रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसमें क्रोध के कारण मुंह लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, पोंहें छड़ाना आदि अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। जहां क्रोध का वर्णन होता है वहां रोद रस माना जाएगा। अर्थात किसी अपनी इच्छित वस्तु के विनष्ट होने के कारण या सामने वाला कोई व्यक्ति आपको की कोई अति प्यारी वस्तु के साथ में दुर्व्यवहार करता है, छीनता है, या आपका अपमान करता है, या अपनों का अपमान करता है, इसके कारण जो भाव आपके हृदय के अंदर जागृत होते हैं, निश्चित रूप से क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है। तो खुद के अपमान को न सहन करने के कारण, अपनों के अपमान को न सहन करने के कारण, अपनी इच्छित वस्तु का अपमान न सहन करने के कारण जो हृदय के अंदर भाव जागृत होता है वह भाव क्रोध होगा, और क्रोध का रस हुआ रोद्र। अब इसके अवयव देख लेते हैं। स्थायी भाव मैंने बताया आपको, क्रोध। आलंबन, शत्रु या अनुचित कार्य करने वाला जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो, यो आलंबन होगा। उद्दीपन होगा शत्रु आदि की उमंग। अनुभव, आंखें लाल होना, भौहें तन जाना, दांत पीसना और गुस्से में
कांपने लगना। संचारी भाव है गर्व, चपलता, आवेग आदि। तो ये सारे के सारे भाव अवयव रौद्र रस के होंगे, रौद्र रस के अंतर्गत हम इसे मान सकते हैं। आलंबन भी उसके अंदर होता है, उद्दीपन और अनुभव भी उसके अंदर होता है, और संचारी भाव भी उसके अंदर मौजूद होता है। अब एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। प्रसंग, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसता है और कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह में नहीं निकलने की कला जानने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये समाचार जब कृष्ण के द्वारा अर्जुन को मिलता है तो अर्जुन का क्या भाव जागृत होता है? क्रोध से अपने दोनों हाथ मलने लग जाते हैं, इतना गुस्सा कि वो कुछ कह नहीं पाते, वो बहुत क्रोधित होते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण लेते हैं। स्थाई भाव क्रोध हुआ अर्जुन का, आलंबन अभिमन्यु के वध पर कौरवों के द्वारा मनाया गया हर्ष खुशी, आश्रय क्योंकि ये भाव अर्जुन के हृदय के अंदर जागृत हो रहे हैं, उद्दीपन हुआ श्री कृष्ण के वचन जिनके कारण ये भाव जागृत हुआ, अनुभव क्रोध से हाथ मलते हैं, कठोर बोल बोलते हैं और उठकर बार बार खड़ा होकर के इधर उधर घूमने लगते हैं। संचारी भाव अमर्ष, उग्रता और गर्व। तो ये सारे के सारे भाव रौद्र रस की निशानी माने जाएंगे। मैं समझता हूं कि आप इस रस को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जो चर्चाएं मैंने पिछले 2-3 रस के बारे में आपको बताया, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, बाय।